हेलो रिवन स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जे एफ जी की प्रॉब्लम द डे तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टूडेंट पढ़ेंगे फिर उसके प्रोसेस देखेंगे उसको दोनों में कोड करेंगे सी प्लस प्लस में भी और जॉब में भी तो प्रॉब्लम में देखते हैं अपने पास क्या करिए काफी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है अगर मैं वैसे आपको पढ़ के बताऊंगा ठीक है तो आप कन्फ्यूज जाओगे मैं आपको सिंपल वे में बताऊँगा कि प्रॉब्लम कहना क्या जा रही है ठीक है गीक को क्या करना है देखो दो हजार चौबीस है ठीक है ये न्यू ईयर भाई साहब कल आने वाला है इन्होंने सकती है काम वैसी प्रॉब्लम डाल दी ठीक है तो गीक को क्या करना है भाई दो हजार चौबीस में कोई अर्न करना है ठीक है कोइन अर्न करके उसे बताना है कि वो मर्चेंडाइज खरीद सकता है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं वो हमें बताना है हमें दिया होगा coin, एन डेज के कोइन ठीक है मान लीजिए एन आठ है तो आठ दिन के कोइन दिए होंगे अब हमें बताना है ये मतलब इन दिनों में प्रॉब्लम ऑफ द डे अगर सॉल्व करता है तो क्या वो किसी भी कॉम्बिनेशन से मर्चेंडाइज खरीद सकता है या नहीं अब मर्चेंडाइज वो कब खरीद सकता है मर्चेंडाइज के लिए एलिजिबल कब होगा जब उसके कोइन या तो बीस से या चौबीस से डिविजिबल होंगे या फिर दो आपको एक के व्हाइट बोर्ड पर भी लिख कर बताता हूँ हमारे पास क्या होगा बड़ी स्टेटमेंट है आप कंफ्यूज हो आपको बता रहा हूँ और हमारे पास क्या होगा गिवन होंगे एन डेज के इस दिन प्रॉब्लम ऑफ द डे सोल्व करने के इसको इतने कोइन मिलेंगे ठीक है और मर्चेंडाइज एम सी एच ठीक है मर्चेंडाइज के लिए कब एलिजिबल होगा जब अर्न जितने किए हैं वो डिविजिबल होंगे ट्वेंटी या फिर ट्वेंटी फोर से या फिर कोइंस अर्न इक्वल होंगे दो हजार चौबीस के बिल्कुल सिंपल ही है ठीक है इसका मतलब हमें सिर्फ ऊपर का कुछ नहीं समझना जितनी बड़ी स्टेटमेंट दी हुई है हमें सिर्फ जो मैंने आपको बात बताई है दो तीन पॉइंट ये याद रखने हैं कि हमारे पास डेज है डेज के कोइंस है हमें बताना है वो एलिजिबल है या नहीं ठीक है ऐसा नहीं है कि के डेज से प्रॉब्लम ऑफ द डे सोल्व करानी है एंड मान लीजिए आपके पास आठ है तो आप कोई चार दिन कोई तीन दिन कोई दो दिन छः दिन प्रॉब्लम ऑफ द डे कोई सी भी सोल्व करा के जो जो उन्हें पास दिए हुए हैं ठीक है ऐसा भी नहीं है लगातार ही सोल्व करानी है आप को सिर्फ ये बताना है कि हाँ कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं जूरिया वन में रिटर्न करना है बिल्कुल सिंपल सा एक काम हमने करना है तो अब चलते हैं देखते हैं हम उसको करेंगे कैसे ठीक है जैसे कि अपना एग्जाम्पल दिया हुआ है ठीक है उसको ही लिख लेते हैं अपना एग्जाम्पल ये रहा नीचे एन एट है फाइव एट नाइन टेन ठीक है एन अपने पास क्या है भाई एट कोइंस अपने पास क्या है भाई फाइव एट नाइन टेन उसके बाद फोरटीन टू थ्री फाइव फोरटीन टू थ्री 5. अब देखो 10 और फोर्टीन ट्वेंटी फोर बन जाएंगे होगा मतलब इन दो के प्रॉब्लम करके ही भाई साहब वो मर्चेंडाइज एलिजिबल हो सकता है तो इस तो इसका आंसर आ जाएगा वन, ठीक है लेकिन अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे हमारा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता है आठ चौदह दो ठीक है ये भी चौबीस बन रहा है तो अब हमें सारे कॉम्बिनेशन के लिए मतलब ट्राई करना पड़ेगा ठीक है हर एक कॉम्बिनेशन के लिए मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या है अब आप ध्यान से सोचो ऑप्शन क्या है हमारे पास ठीक है ऑप्शन हमारे पास हम एक पर्टिकुलर दे के कॉइन को ले भी सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं और जब भी अपने पास ऐसा केस आए तो सिंपल बिना सोचे समझे कुछ भी सबसे पहले रिकर्सिव सोल्यूशन उसका लिख दो रिकर्सिव सोल्यूशन लिख दो रिकर्सिव सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे अब देखो हम क्या करेंगे मान लेते हैं एक हेल्प फंक्शन बनाएंगे ठीक है उसके अंदर एक तो मेरा एन आ रहा होगा बिल्कुल ठीक है अभी मैं आपको वैसे एक बेसिक सा कोड लिख कर फिर उसको जाकर कोड भी करेंगे ठीक है रिकर्सिव इसका कैसे लिखना है और एक हमारे पास आ रहे होंगे कोइंस जिसमें से हमें किसी पर्टिकुलर कॉइन को लेना है या छोड़ना है अब हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है जीरो से एक आ रहा होगा मतलब इसमें इंडेक्स जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी जीरो बिल्कुल सिंपल और एक जब आप किसी कॉइन को लोगे तो उसको आप ऐड भी करोगे कि अभी तक कितने कॉइन मेरे पास हो चुके हैं तो उसके लिए एक सम वेरिएबल जिसकी इनिशियल वैल्यू होगी जीरो इसकी भी इनिशियल वैल्यू होगी जीरो बिल्कुल सिंपल इस तरह का हम एक फंक्शन बना लेंगे उसमें मेरा एन पास हो जाएगा कोई ऐसा कैसा ही पास हो जाएगा इंडेक्स जीरो पास हो जाएगा और सम जीरो पास हो जाएगा बिल्कुल सिंपल उसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे इसके अंदर अब आप एक पर्टिकुलर पर हो वो आपको कॉइन इंडिकेट कर रहा है इंडेक्स जीरो तक ठीक है सबसे तो सिंपल बात अगर देखो आपका सम सम आप करते आ रहे हो अगर आपका सम ऐसा हो जाता है कि सम डिविजिबल बाय ट्वेंटी या फिर समीजल बा फोर ट्वेंटी फोर है ठीक है या फिर सम इक्वल इक्वल हो जाता है दो हजार चौबीस के इसका मतलब आप कर सकते आपको करते ना है, इसका टाइप मतलब क्या हो आपको रिटर्न कर देना है अब है? देखो सम इनिशियली में क्या आएगा जीरो अगर आप जीरो को तो से ही जीरो से ट्रू रिटर्न हो जाएगा आगे चलेगा ही नहीं होगा ठीक है तो इसका मतलब आपको यहां पर एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी इफ इक्वल टू जीरो भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल सिंपल उसके बाद आप चलोगे ठीक है सन आपका मतलब अभी आप करते 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 कहां पर आगे भाई यहां पर आगे फिर आप उससे भी आप इंडेक्स प्लस प्लस हो गए इसका मतलब आप आउट ऑफ बाउंड हो गए लेकिन आपको सम अभी तक ये ट्रू वाली कंडीशन नहीं मिली तो आपको क्या कर देना है अगर इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाता है एन के तो रिटर्न फॉल्स ठीक है क्योंकि आप लास्ट तक आ गए हो लेकिन आपको अभी तक मतलब ऊपर वाली कंडीशन भी आपकी लास्ट में आके मीट नहीं हुई मतलब यहां तक कसम आपका अभी तक इनमें से किसी कंडीशन को मीट नहीं करा तो आपको सिंपल अब आप आउट ऑफ बाउंड हो चुके आगे प्रोसेसिंग नहीं करोगे आपको करते नहीं। फॉल्स। बिल्कुल सिंपल अब नीचे अभी तक हमने सब में कुछ ना तो ऐड किया है ना ही किसी को इनको छोड़ा है ना ही किसी को इनको पकड़ा है तो हमें क्या करना है मान लीजिए करंट हम इस वाले कॉइन पर है तो ऑप्शन है मेरे पास इसको ले भी सकता हूँ और इसको छोड़ भी सकता हूँ पहले क्या करूंगा मैं इसको ले लूंगा ये मैंने इसको ले लिया अब इसको लेके एक मेरे पास कोई आंसर आ रहा होगा जिसको ट्रू या फॉल्स उसको मैं किसी एक बुल में स्टोर कर लूंगा बुल ए टेम्परेरी बना लूंगा उसमें क्या करूंगा मैं हेल्प फंक्शन को कॉल कर दूंगा एन ऐसा कैसे ही जाएगा ऐसा कैसे ही जाएगा इंडेक्स अब इस वाले इंडेक्स का काम हो चुका है तो इंडेक्स प्लस वन पास होगा सम मेरे पास चेंज हो चुका है वो पास होगा ठीक है फिर मैं क्या करूंगा अब मैंने इसको छोड़ना है एक बार तो लेके कर लिया एक बार छोड़ के अब सम में ये ऐड तो ऑलरेडी हो चुका है तो उसको माइनस कर देंगे इसका मतलब इस केस में हमने उसको छोड़ दिया बिल्कुल सिंपल इस केस में छोड़ दिया तो छोड़ के एक और आंसर आएगा बुल भी करके वो भी सेम ये वाली लाइन आ जाएगी जी ठीक है दोनों के लिए मेरे पास आंसर आ रहा होगा एक बार लेके एक बार छोड़ के दोनों में से कोई भी ट्रू होगा तो हमें ट्रू रिटर्न कर देना है तो हम रिटर्न सिंपल क्या करेंगे दोनों में से कोई एक भी ट्रू होना चाहिए ए और बी ठीक है कोई एक भी ट्रू होगा तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे दोनों फॉल्स होंगे तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमारी प्रोसेसिंग चल रही होगी अगर ट्रू आएगा तो फिर रिटर्न हो जाएगा फॉल्स आएगा तो जीरो रिटर्न हो जाएगा ठीक है और अपना फाइनल आंसर बन के आ जाएगा तो ये होगा हमारा रिकर्सिव सोल्यूशन लेकिन ये देगा आपका टाइम लिमिट एरर तो उसके लिए हम क्या कर देंगे उसको मेमोजाइज कर देंगे ठीक है अब चलते हैं अपना एक बार टाइम यहाँ पर और स्पेस यहाँ पर लिख कर छोड़ देते हैं जो हम कोड करने के बाद डिस्कस कर लेंगे अब चलते हैं इसको ही खोल लेते हैं और इसी हिसाब से जिस हिसाब से मैंने आपको बताया इसी हिसाब से इसको करते हैं कोड ठीक है सबसे पहले हमें एक हेल्प फंक्शन बनाना है जी तो चलते हैं जी अपना कोड की तरफ तो देखो जी एक तो हमें लेना है इंडेक्स इक्वल टू जीरो वैसे ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पर फिर भी हम इंडेक्स को तो कर ही लेते हैं दोनों को ही कर लेते हैं ठीक है सबको हमें बाद में जरूरत कर पड़ेगी करने के भी वैसे नहीं है हम क्या करते हैं रिटर्न जो भी हमारे पास हेल्प फंक्शन भेज रहा होगा हेल्प फंक्शन अपने पास हेल्प में क्या क्या जाएगा एन बताया था मैंने आपको कोइंस बताया था सम उससे पहले मैंने आपको बताया था इंडेक्स चलो वही लिख लेते हैं फिर मैंने आपको बताया था सम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर आएंगे बुल हेल्प इंट एंड इंट कोइंस ठीक है इंट इंडेक्स कोमा कोमा हाँ इंट सम ये सब कुछ आ रहा होगा अब मैंने आपको बताया था इफ सम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड अगर जीरो नहीं है और इनमें से कोई सी एक कंडीशन भी फुलफिल हो रही है सम मोड ट्वेंटी मतलब सम ट्वेंटी से डिविजिबल है या फिर सम डिविजिबल है ट्वेंटी फोर से या फिर स्पेस बताते हैं या फिर सम इक्वल है दो हजार चौबीस के ठीक है मतलब जीरो ना हो और इनमें से कोई सी भी एक फुलफिल हो जाए तो ये चल जाएगा तो हमें क्या कर देना है रिटर्न ट्रू ठीक है और अगर ऐसा हो जाता है कि इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाता है एन के तो आउट ऑफ बाउंड हो गए रिटर्न फॉल्स अब पहले फोल्स लिख लेते हैं फिर ओके करेंगे अब करते हैं इसको ओके वापिस आते हैं यहाँ पर ठीक है इतना काम हमने यहाँ तक का काम कर लिया फिर हम उसके बाद अभी सम में एक बार प्लस करेंगे फिर पास करेंगे फिर इसको हटा देंगे मतलब एक बार लेके और एक बार छोड़ के दोनों में से कोई एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे ठीक है तो चलते हैं ये काम करते हैं अभी हम क्या करेंगे सम में प्लस इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ इंडेक्स ठीक है अरे भाई पर ठीक है फिर हम क्या करेंगे बुल एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कॉल करेंगे हेल्प फंक्शन को इंडेक्स प्लस वन एंड सम ठीक है एस यू एम फिर हम सब में से उसको माइनस कर देंगे बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाला तरीका नहीं है ये जो हम कर रहे हैं ठीक है इसलिए एक्सप्लेनेशन में मैंने डायरेक्ट आपको कोड बताया क्योंकि उससे अलग अब एक्सप्लेनेशन क्या ही करते उसकी क्योंकि रिकर्सिव ट्री अगर बनाते तो बहुत बड़ा बन जाता भाई ठीक है अब हमें क्या रिटर्न करना है रिटर्न ए और बी कोई भाई एक भी ट्रू हो जाए तो ट्रू रिटर्न करो अभी क्या करते हैं इसको चला के देखते हैं ठीक है देखते हैं अपना टाइम लिमिट आ रहा है या कुछ एरर आ रहा है कुछ एरर आएगा तो उसको सोल्व करेंगे मेन अपना टाइम लिमिट आना चाहिए मेन गोल अपना अभी स्कोर के साथ वही है कि टाइम लिमिट आए ठीक है सबमिट करते हैं इसको टाइम लिमिट आना चाहिए गाइस हाँ टाइम लिमिट आ गया ठीक है अब टाइम लिमिट को कैसे सोल्व करना है जैसा हम अपने पिछले कोडो में भी करते आ रहे हैं इस तरह से करते हैं हम सिंपल अब हमें देखना है यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है एक तो इंडेक्स चेंज हो रहा है साथ साथ सम चेंज हो रहा है ठीक है तो इसका मतलब हमारा टू डी आर ए बनेगा ठीक है अब इंडेक्स मेरा कहाँ से कहां तक जाएगा इंडेक्स मेरा जाएगा जीरो टू एन माइनस वन और सम मेरा कहाँ से कहां तक जाएगा उसका अभी तो हमें इस कोड में तो नहीं पता है ठीक है हमें अपना साइज तो यही पर डिक्लेयर करना पड़ेगा इसका मतलब सम मेरा मैक्सिमम क्या हो सकता है जो मेरे पास का सम हो तो सम मेरा वहां तक जा सकता है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो कंट्रोल जेड करते हैं ठीक है सम प्लस इक्वल टू सम मेरा इतना जा सकता है जी ठीक है तो उसी हिसाब से हमें एक अपना मेमोजाइज करने के लिए एक डी पी नाम से अपनाया मैट्रिक्स बना लेंगे जिसका साइज होगा एन क्रोस माइनस वन ठीक है उसमें सारी एंट्री कर दी -1 से फिल। अब आप क्या कहोगे आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है वो क्या होगा देखो सम मैंने यहाँ पे लिया मान लो आया समार मैंने एक हजार साइज का यहाँ पे बनाया ठीक है बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरे बात को मैंने यहाँ पे क्या करा एक हजार साइज का इसको बनाया अब एक हजार साइज अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स डाल लू एक हजार मतलब डी पी ओफ समथिंग मान लीजिए जीरो फिर सम अब आप कहोगे इस सम में एक हजार आ सकता है लेकिन एक हजार तो आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल इंडेक्स तो मेरा नौ सौ निन्यानवे तक रहेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या मेरे को सम प्लस वन करने की जरूरत है नहीं अगर आप ना भी करो तब भी चलेगा क्योंकि जब लास्ट केस में आपका सम एक हजार होगा ना तो वो यहीं से रिटर्न कर जाएगा ठीक है या फिर वो अगर यहां से रिटर्न नहीं करा तो वो यहां से रिटर्न कर जाएगा क्योंकि समय आपका कब वो क्या आएगा मान लीजिए लास्ट जो भी आपका लास्ट कोइंस पड़े हैं लास्ट इंडेक्स पर वो आपने करे इसमें प्लस ठीक है वो आपने यहां पर करे प्लस वो प्लस करे आपने इंडेक्स प्लस वन गया तो इंडेक्स आपका हो चुका है आउट ऑफ बाउंड सम आपका टोटल एक हो चुका है तो अगर वो ये कंडीशन मीट करेगा तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा वरना वो आउट ऑफ बाउंड हो चुका है तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा नीचे वो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं ठीक है तो प्लस वन आपको करने की आवश्यकता नहीं है ठीक है जी क्योंकि टोटल सम के लिए तो मेरा इससे आगे आएगा ही नहीं बिल्कुल है ठीक है हमारा कोड उसी टाइप का है तो अब क्या करते हैं इसको यहाँ पर कर देते हैं पास और ये हमने बनाया क्यों जिनको नहीं पता उनके लिए क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर इंडेक्स और सम एक से ज्यादा बार आ सकता है ठीक है एक ही मतलब सब प्रॉब्लम मेरी मेनी टाइम्स हो हो सकता है क्योंकि हम एक से ज्यादा बार कॉल कर रहे हैं इसी सेम फंक्शन को तो उसका रिजल्ट हम स्टोर करके रख लेंगे और अगर हम उसे सोल्व कर चुके हैं तो उसको रिटर्न करेंगे दोबारा सोल्व नहीं करेंगे ठीक है, है तो इसलिए हमने काम किया बीपी को करते हैं यहाँ पर गेट ऑफ इंट ठीक है रेफरेंस लेंगे इसको बिल्कुल ठीक है उसके बाद हमें क्या करना है एक और कंडीशन इफ डी पी ऑफ इज नॉट इक्वल टू इधर आ भाई इज नॉट इक्वल टू माइनस वन तो रिटर्न कर दो जो भी उसकी वैल्यू है ठीक है अब ये इंट में है ना मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन में इसका रिटर्न टाइप है बुल लेकिन इसका जो डाटा टाइप है वो है इंट ठीक है अगर वो माइनस वन के इक्वल नहीं है तो वो किसके इक्वल होगा उसके अंदर मेरे पास क्या आएगा अभी देखो आपको बता ऑफ इंडेक्स इंडेक्स और और सम की जो करंट वैल्यू इसमें आ जाएगी ठीक है अगर ये ट्रू देता है इसको तो इसमें पुट हो जाएगा वन अगर इसको फॉल्स देता है तो इसमें पुट हो जाएगा जीरो ठीक है सिमिलरली यहाँ से जीरो या वन रिटर्न हो जाएगा ठीक है और जो भी कुछ होगा वो यहाँ से उसी जीरो या वन रिटर्न हो जाएगा ठीक है तो मतलब उसके लिए हमें इसमें तो सी प्लस प्लस में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है जब में वो चेंज है बुल और इंट का उसमें पंगा पड़ता है ठीक है अपने आप बुल से इंट में कन्वर्स नहीं करता और तो वहाँ पर थोड़ा चेंज है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तो ठीक है जी यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा डी पी पास सिमिलरली वी हैव टू तो पास डी पी हेयर ऑल्सो ठीक है और 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 कहीं पर आ, नहीं और कहीं पर तो लगता नहीं लेकिन एक चेंज हो रहा है वो क्या है अभी सम मेरा टोटल सम हो चुका है लेकिन सम एक्चुअल मेरे को पास करना होता है जीरो तो उसको यहाँ पर सेट कर देते हैं दोबारा जीरो अभी रन करते हैं ठीक है नहीं चलना चाहिए वैसे देख लेंगे कोई आएगा तो सही चल रहा है सबमिट करते हैं इसको और अगर सबमिट होता है तो उसकी टाइम और स्पेस पहले डिस्कस करेंगे फिर चलेंगे जब कोर्ट पे जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है सबमिट हुआ है टाइम और स्पेस डिस्कस करते हैं ठीक है स्पेस कितना यूज़ हुआ एंड क्रॉस सम बिल्कुल सिंपल टाइम कितना यूज़ हुआ अब एक प्रॉब्लम मेरी एक से ज़्यादा बार अक्कर नहीं होगी अगर वो अक्कर भी हुई तो वो रिटर्न हो जाएगी क्योंकि तो उसका रिजल्ट मेरे पास ऑलरेडी स्टोर होगा ठीक है तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉब्लम कितने क्रोस है एन क्रॉस सम बिल्कुल सिंपल तो मेरा टाइम भी उतना ही लगेगा सर मेरा टाइम भी नहीं लगेगा तो और टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है भाई इसकी ठीक है कहाँ पर गया भाई अपना मामला आगे था ठीक है टाइम मेरा क्या हुआ एन क्रोस सम सिमिलरली स्पेस मेरा क्या हुआ एन क्रोस सम ठीक है जी ये काम होगा ठीक है बहुत आसान होता है मतलब जबरी कर सुनवा मैं मुझे जैसे करता हूँ टाइम और स्पेस निकालना बिल्कुल ईजी ठीक है जी तो अब जावा कोड मैंने सिमिलर लिखा हुआ उसको दिखाता हूँ आपको अब आप देखो ये मैंने क्या करा सम लिया ठीक है इंडेक्स तो यहीं पर डायरेक्ट मैंने पास कर दिया ठीक है उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और यहाँ पर क्या करा मैंने भाई सम को अपना जो कोइंस है उसका सब सारे का सम कर लिया उसी साइज़ की मैंने यहाँ पर प्लस और मैंने आपको कहा था आप लगा भी सकते हो और नहीं भी तो हम नहीं लगाते ठीक है जैसा कि हमने वहाँ पर किया और यहाँ पर मैंने क्या करा उसको फिल कर लिया माइनस वन से बिल्कुल सिंपल और अपना यहाँ पर पास कर दिया हेल्प फंक्शन में ठीक है इसको मैंने आपको एक और क्वेश्चन में दो तीन दिन पहले बताया था आज फिर बता दूंगा कि क्यों नॉट इक्वल टू जीरो लगाया अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा ठीक है जी यहाँ पर हमने सब कुछ गेट कर लिया अब उसका रिटर्न टाइप था बोलिए यहाँ पर रिटर्न टाइप है इंट क्यों क्योंकि यहाँ पर मेरा डी जो है इसका डाटा टाइप है इंट ठीक है तो हम वही रिटर्न करेंगे ठीक है बिल्कुल सिंपल अपनी चीज़ों को रखेंगे अगर वो माइनस वन के इक्वल नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे उसको इसका मतलब हम उस प्रॉब्लम को पहले ही सोल्व कर चुके हैं ठीक है ए और बी अब ए मेरे पास क्या आ सकता है या तो वन आएगा मतलब ट्रू या फिर जीरो आएगा मतलब फॉल्स इसका मतलब और मैंने लगाया है वन और जीरो का और भी वन होगा जीरो वन का और भी वन होगा जीरो जीरो का मतलब कोई एक भी वन होगा तो और मेरे पास हो जाएगा वन ठीक है इसका मतलब जो ऑफ इंडेक्स ऑफ सम में मेरा क्या पुट होगा या तो जीरो या फिर वन वही सिमिलरली यहाँ से रिटर्न हो जाएगा यहाँ से जीरो वन रिटर्न होता है यहाँ से तो हमें बुलियन रिटर्न करना है ना अगर जीरो रिटर्न होता है तो फॉल्स अगर वन रिटर्न होता है तो ट्रू तो हमने क्या कर लिया उसको कंपेयर कर लिया कि जीरो के इक्वल है या नहीं अगर जीरो के इक्वल नहीं है ठीक है तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा अपने आप ट्रू मतलब वन आया मान मान लो इसका आंसर आया वन चलेगा ठीक है वन नॉट इक्वल टू जीरो है क्या हाँ है ट्रू है तो ट्रू रिटर्न वरना जीरो रिटर्न मतलब फॉल्स रिटर्न ठीक है तो ये काम भी हमने कर लिया एक बार इसको भी सबमिट करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है हो जाएगा अभी सबमिट कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ कोड है मेरा तो गाइस दोनों कोड का लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो मिलते है लिए हैं आपसे अपने तब तक के लिए धन्यवाद